सुखना लेक की सफाई लिए चंडीगढ़ प्रशासन के वालों एक खास मशीन मंगवाई गई है जिसकी के मदद नाल लेक की सफाई की जाएगी। इस मशीन को खास तौर पर मुंबई तो मंगवाया गया। दरअसल लेक के कई बूटे तो झाड़ियाँ उग जाए ने जिन्हों की सफाई लिए तकरीबन 6 महीनों का समा लगता सी। जब भी तुम सिटी ब्यूटीफुल की सुखना लेक से आओगे तो थोड़ा एक मशीन काम करती जरूर दिखेगी जिड़ी वीड हारवेस्टर के नाँ तो जानी जाती है। तस्वीर थोड़ा जरूर दिखा देने सब तो पहला क्योंकि असं उसी मशीन के उत्ते खड़े हाँ। यह मशीन किस तरीके जी प्लॉटिंग हो जाती है लेक के उत्ते जब बारिशों का मौसम होंगे है जिस तरीके देख सकते हो लोटस प्लांट हो गए या कई सारे होर जड़ी बूटियां जड़िया वो लेक के उत्ते आ जाए ने उन्हों किस तरीके साफ करता है। इस बार एक वड्डा उपराला जोड़ा है वह प्रशासन वालों किया गया तो मुंबई तो एक मशीन योजी जी पहली बार चंडीगढ़ के इतिहास मंगाई गई है। 2 करोड़ की लागत के नाल जी है वह मशीन की खरीद होंगी है पर 10 लाख रुपए रेंट के नाल जोड़ा है क्योंकि जिन्ना सस्ता काम हो सके प्रशासन ने उसी समझी तो इस मशीन को मंगाया गया। यादव जी साढ़े नाल ने जोड़े कि यह सारी मशीन के इंचार्ज भी ने काम भी कराते हैं। यादव जी जो गल करिए मशीन की किस तरीके का काम जोड़ा है ये मशीन कराती है। मशीन ये आगे से रिसीविंग करती है पीछे बीच में स्टोर कीपर जगह है उसके बाद पीछे से एकदम जाके डिस्चार्ज करती है किनारों पे बाहर। और जो गल करिए किन्नी जरूर जड़ी है किन्नी लोड़ जड़ी है वो पई क्योंकि जिस तरीके नाल असीं देख रहे हैं बारिशों का मौसम होंगे काफी ज्यादा जो है वो प्लांट्स जड़ी बूटियां असीं देख रहे हैं काफी ज्यादा आ जाते हैं हुण इन्होंने ऑन भी की है तो किन्नी लोड़ पई थी इस बार। इस बार बहुत ज्यादा जरूरत थी पूरे आधे लेक में फैला हुआ था प्लांट जो कि कमल के फूल बोलते हैं पूरी मतलब देख लो आप सामने से सब जड़ी बूटी निकाल के इकट्ठा करते हैं तो बाहर किनारे डाल देते हैं हम लोग। जे अगर जे गल करिए कितना जे बारिशों के टाइम पे कितना के लेक में जो है इस तरीके से ये सारे जो पौधे हैं ये उग जाते हैं जो भीड़ है ये उग जाता है किस तरीके से। ये बारिशों के टाइम पे ऊपर से पानी जब आता है तो उसके साथ बहते हुए सारे कचरे आ जाते हैं वो पूरे झील में इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको हम लोग क्लीन करते हैं एक तरह से। और पहले मशीन नहीं थी तो पहले कितना समय लगता था और अब कितना समय लग रहा है। पहले आदमियों से तो कोई काम बहुत स्लो होता है जब मशीन आ जाती है तो उसमें जो 10 दिन का काम है वो 1 दिन में हो जाता है। कब तक ये सारा काम हो जाएगा पूरा। अभी हमारा काम सिर्फ 12 से 13 दिन हुआ है 12 से 13 दिन में कम से कम हम रिक्वायरमेंट बताएं तो 20 बीघे के आसपास में काम कर चुके हैं। और आगे कितना समय लगेगा। अभी ज्यादा से ज्यादा 10 दिन के अंदर में क्लीन कर देंगे। पहले कितने 2 से 3 महीने लगते थे सारा करने में। पहले 6-6 महीने लग जाते थे फिर भी क्लीन नहीं होता था आदमी से 6-6 महीने लग जाते एक एक साल चल जाता था फिर भी क्लीन नहीं होता था। अभी मशीन से सिर्फ 1 महीने में क्लीन करके देंगे। कैमरा में प्रमोद देगी दे नाल बसम वर्मा जी मीडिया चंडीगढ़।